नमस्कार दोस्तों, AMT क्लासेस पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। शुरुआत से वीडियोस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। आज वीडियो थोड़ी अलग तरह से है, तो इस तरह की भी वीडियो देखिए और समझ आ रहा है या नहीं ये हमें बताने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो ये नाम लिखने की वीडियो नंबर 12 है। 11 वीडियो पहले भी बन चुकी है और उसके अलावा 15 से 16 वीडियो नाम लिखने की बन चुकी है, क्योंकि जब हमारे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे तब भी हमने नाम की ही सीरीज़ बनाई थी, जो हमारे उस समय के सब्सक्राइबर एक्टिव थे उनके नाम के साथ। तो आज का हमारा पहला नाम है अभिमन्यु। क्या नाम है? अभिमन्यु। अभिमन्यु क्या नाम है हमारा पहला? अभिमन्यु। दूसरा नाम है अभिजीत। अभिजीत। तीसरा नाम है हमारा अभिनंदन। अभिनंदन। अगला नाम है हमारा चिरंजीव। क्या है? चिरंजीव। तो आशा है मुझे कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी और थोड़ा हेल्पफुल लग रहा होगा आपको। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, ठीक है? तो साथ के साथ लिखते चलें, या आप इस स्पीड में नहीं लिख पा रहे हैं तो थोड़ा वीडियो को रोक रोक कर सीखें, ठीक है? थोड़ी सी तो दिक्कत होगी ना मेरे दोस्त। अगला शब्द है चंद्रराज। क्या है? चंद्रराज। अगला नाम है दामिनी। क्या है? दामिनी। और दामिनी मूवी आपने शायद देखी होगी, ऋषि कपूर की है। अगला शब्द है दामोदर। क्या है? दामोदर। अगला शब्द है हमारा दर्शिता। क्या है? दर्शिता। अब आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। और अगला नाम है हमारा फाल्गुनी। क्या है? फाल्गुनी। फाल्गुनी पाठक का नाम सुना होगा आपने, पहले बहुत गाने चलते थे इसके। उसके बाद अगला नाम है हमारा हेमराज, ठीक है? हेमराज हत्याकांड आपने सुना था शायद। अगला नाम है हरिओम। क्या नाम है? हरिओम। पहले हम नामों को लिख लेते हैं और बाद में पढ़ने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है? अगला नाम है हरजीत। हरजीत। अगला नाम है हमारा हरि नारायण। क्या है? हरि नारायण। और शायद आपको अच्छी आवाज़ मिल रही होगी, ये वीडियो के बाद में मुझे पता चलेगा कि अच्छी आवाज़ है या नहीं। अगला शब्द है जगन्नाथ। क्या है? जगन्नाथ। ये क्या है? न जो है वो दो एक साथ संयुक्त है। अगला नाम है हमारा जनार्दन। क्या नाम है? जनार्दन। र की आवाज़ ना के बाद आई है तो ऊपर लगेगी। क्या शब्द बना? जनार्दन। अगला शब्द है हमारा लोकेश। क्या है? लोकेश। अगला शब्द है हमारा लोकरंजन। क्या है? लोकरंजन। क्या शब्द बना? लोकरंजन। अगला शब्द है महानंदा। अगला हमारा शब्द है नरसिम्हा। क्या है? नरसिम्हा। अगला हमारा शब्द है पीयूष। क्या है? पीयूष। क्या शब्द बना? पीयूष। अगला हमारा शब्द है रघुनंदन। अगला हमारा शब्द है रत्नाकर। क्या है? रत्नाकर। अब थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा करें? अब ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है? तो इंटरेस्टिंग सा लग रहा होगा थोड़ा। अगला नाम है हमारा सक्षम। छोटे नाम आजकल बहुत चल रहे हैं, ठीक है? इसी तरह आरव भी बहुत फेमस है आजकल। और तो सक्षम हो गया हमारा। अगला नाम है सर्वेश। सर्वेश तो बहुत पुराना नाम है। क्या बना हमारा? सर्वेश। अगला नाम है त्रिभुवन। है ना, थोड़ा बोलने में भी दिक्कत है। अगला शब्द है विक्रम। विक्रम तो बहुत पुराना नाम है, विक्रम। और अगला हमारा नाम है सदानंद। अगला नाम है नंद किशोर। और इस तरह से थोड़ी वीडियो आपको एंटरटेनिंग लग रही है, थोड़ा देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है या नहीं ये भी बताइएगा। अलग अलग तरह की कोशिश मैं भी करता रहूँगा आप लोगों को बेहतर कंटेंट देने के लिए। और अगला हमारा नाम है प्रवीण। क्या है? प्रवीण।
हमारे स्कूल के टाइम में एक हमारा दोस्त था जिसका नाम प्रवीण था और हम उसको अंग्रेज कहते थे क्योंकि वो बहुत गोरा था और उसके बाल थोड़े अंग्रेजों की तरह थे। अगला नाम है हमारा प्रभात, प्रभात, प्रभात। आजकल वो कांग्रेस में जुड़ा हुआ है और नेतागिरी में लगा रहता है, अध्यक्ष भी है वो शायद अपने एरिए का। अगला नाम है ज्योत्सना, क्या है? ज्योत्सना, ज्योत्सना। अगला नाम है हमारा जयप्रकाश, जयप्रकाश हमारे सरजी का नाम था जो SST हमें पढ़ाते थे, खैर पढ़ाते नहीं थे, खाली बात करते रहते थे। और आगे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर अब हम रेड कर लेते हैं, ठीक है। अगला नाम है निरंजन, क्या है? निरंजन, निरंजन। अगला नाम है पल्लवी, क्या है? पल्लवी, पल्लवी, क्या नाम बना? पल्लवी। अगला नाम है हमारा शेष नारायण, शेष नारायण, नारायण, शेष नारायण, ओके। अगला नाम है हमारा रामानुज, रामानुज का तो नाम आपने सुना ही होगा। अगला नाम है वीरेंद्र, वीरेंद्र का तो नाम सुना ही होगा आपने, वीरेंद्र, वीरेंद्र सहवाग है ना, वीरेंद्र, और ये न ऊपर भी लग सकता था, वो भी सही था। अगला नाम है हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन के एरिए में मैं पहले रहता था और मेरी पढ़ाई लिखाई उसी एरिए में हुई है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे और दिल्ली सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री थे, वो हर्षवर्धन हमारे एरिए से ही थे। अगला नाम है देवेश, देवेश, देवेश नाम भी बहुत प्रचलित है। अगला नाम है क्षितिज, क्या है? क्षितिज। और जो क्षितिज है वो तो आपको पता ही होगा, ये हमारी हिंदी की बुक का भी नाम है जो कि 9th और 10th में है। इसे हम स्कूल में क्या कहते थे? क्षितिज। भाई क्षितिज की बुक लाया है तो क्षितिज में क्या समझ रहे होंगे आप कि इसका मतलब क्या होता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं, ये अगर आप कहेंगे तो इसको भी मैं एक वीडियो में बनाकर बताऊँगा। अगला नाम है त्रिशान, क्या है? त्रिशान। अगला नाम है अथर्व, अथर्व, अथर्व नाम भी बहुत फेमस हुआ है हमारी कौन सी सीरीज़ के, फैमिली मैन के नाम से, वहाँ उसके बच्चे का नाम अथर्व होता है। अगला नाम है देवांश, क्या है? देवांश, देवांश, देव का अंश, देवांश। अगला नाम है कार्तिक, कार्तिक तो बहुत पुराना नाम है, हमारा एक भांजा भी है कार्तिक। अगला नाम है काव्यांश, क्या है? काव्यांश, काव्यांश। यहाँ पे शो है और ये स्क्रीन में अभी आ नहीं रहा है, ठीक है, हमारी स्क्रीन यहाँ ख़त्म हो जाती है इसीलिए। अगला नाम है परीक्षित, क्या है? परीक्षित, परीक्षित, क्या है? परीक्षित। और इसका अगला नाम अगर हम लेके चलें तो अगला नाम है हमारा उत्कर्ष, क्या है? उत्कर्ष। इतने सारे नाम एक साथ याद नहीं रहते हैं इसीलिए उन्हें हम पहले लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। अगला नाम है यक्षित, क्या है? यक्षित, क्या है? यक्षित। ये सब थोड़े नए नाम हैं जो अभी लोग अपने रखते हैं। अगला नाम है दर्शित, क्या है? दर्शित, ये आपका द है, क्या नाम है? दर्शित। अगला नाम है भार्गव, क्या है? भार्गव। और उसका अगला नाम है हमारा स्वप्निल, क्या है? स्वप्निल, 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 ये क्या है? आधा प है, स्वप्निल। तो यहाँ तक हमारे, एक और नाम लिख लेते हैं आयुष्मान, क्या है? कहाँ लिखे, जगह है कहीं बताइए, यहाँ है जगह, आयुष्मान, आयुष्मान खुराना का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो यहाँ तक हमारे लगभग 51 नाम हो चुके हैं और मुझे आशा है ये सारे नाम आपको अच्छी तरह आ गए होंगे अब लिखने। हमारी वीडियोस का मेन लक्ष्य क्या होता है मेरे दोस्त, कि आपको हिंदी पढ़ना लिखना है, मात्राओं का अभ्यास होता रहे। पहले हमने मात्राएँ सिखाई है और इस तरह की इन वीडियोज़ से हम आपका अभ्यास कराते हैं, जो लोग रेगुलर हमें सीख रहे हैं, जो लोग रेगुलर हमारी वीडियोज़ से सीख रहे हैं। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर होगी, अब चलिए हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़ने के लिए हम पहले कलर चेंज कर लेते हैं, आज हमने ब्लैक कलर यूज़ नहीं किया है, काला कलर, काला रंग हमने यूज़ नहीं किया है, तो काले रंग के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक बार अब हम इन सभी शब्दों को पढ़ लेते हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगी, पहले से ज़्यादा समझ आ रहा है या नहीं? जब टीचर सामने होता है तो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत लोग कह रहे थे कि सर आप जो स्क्रीन की वीडियो बनाते हैं इसमें हमें समझ नहीं आता, बोर्ड पे कराइए। तो बोर्ड पे मेरे को बहुत दिक्कत होती है मेरे दोस्तों, सब कुछ शूट करना पड़ता है, सब कुछ लिखना पड़ता है, लाइटिंग सेटअप करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसलिए ये मेरे लिए थोड़ा आसानदायक होता है और शायद आपके लिए भी थोड़ा अच्छा होता होगा, मुझे नहीं पता कि अच्छा होता है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तभी पता चलेगा। हाँ, बोर्ड पे बनाने के लिए बच्चे कहते हैं। तो चलिए अब अभ्यास को ख़त्म करते हुए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो ये शब्द हमारा क्या था? अभिमन्यु, क्या था? अभिमन्यु, अभिजीत, अभिजीत,
अभिनंदन अभिनंदन, चिरंजीव चिरंजीव, चंद्र राज चंद्र राज। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अलग दिमाग में रखते हुए, जब मैं इस वीडियो को एडिट करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो कैसे गई है। शायद मैं आपको नीचे दिख रहा हूँगा, या शायद मैं आपको इस तरफ दिख रहा हूँगा, या मैं शायद आपको सामने दिख रहा हूँगा, या ऐसा हो सकता है कि मैं एक तरफ मैं दिखूँ एक तरफ ये सारे शब्द दिखे। मुझे अभी नहीं पता कि मैं कैसा दिख रहा हूँगा, लेकिन काम करने में मज़ा आ रहा है, शब्दों को लिखने में मज़ा आ रहा है। अगला शब्द है चंद्रराज। क्या है? चंद्रराज। अगला है दामिनी दामिनी, दामोदर दामोदर। अगला नाम है दर्शिता। क्या है? दर्शिता। फाल्गुनी फाल्गुनी, हेमराज हेमराज। हरिओम। क्या है? हरिओम। हरजीत हरजीत, हरिनारायण। क्या है? हरिनारायण। जगन्नाथ। क्या है? जगन्नाथ। जनार्दन। क्या है अगला शब्द हमारा? जनार्दन। लोकेश। क्या है अगला शब्द? लोकेश। यक्षित। क्या है अगला शब्द? यक्षित। दर्शित और भार्गव। दर्शित शायद आपको ना दिख रहा हो तो दर्शित दर्शित है, बाकी तो यहाँ दिख ही रहा होगा नीचे, है ना। अगला शब्द हमारा लोक रंजन। लोक रंजन, महानंदा, नरसिम्हा नरसिम्हा, पीयूष, रघुनंदन, रत्नाकर रत्नाकर, सक्षम, सर्वेश, उत्कर्ष। क्या है? उत्कर्ष। यक्षित तो शायद हो गया था हमारा। आयुष्मान, त्रिभुवन 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 त्रिभुवन, विक्रम, सदानंद। क्या है? सदानंद। नंद किशोर नंद किशोर, प्रवीण। प्रवीण की क्या कहानी मैंने बताई थी वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी हिंदी में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ चलो आपको इतना तो लिखना आया। प्रभात प्रभात, ज्योत्सना ज्योत्सना, जयप्रकाश जयप्रकाश, परीक्षित परीक्षित, निरंजन निरंजन, हलाक निरंजन। सुबह सुबह मांगने आते हैं बाबा लोग संत लोग, वो कहते रहते हैं, क्या कहते हैं? हलाक निरंजन। पल्लवी, स्वप्निल, शेष नारायण शेष नारायण, रामानुज। क्या है अगला शब्द? रामानुज। वीरेंद्र वीरेंद्र, हर्षवर्धन हर्षवर्धन की क्या कहानी बताई थी मैंने हर्षवर्धन जी की, और वो कौन है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। देवेश, क्षितिज, त्रिशान, अर्थव। अर्थव की क्या कहानी बताई थी? अर्थव नाम कहाँ से आया? अर्थव था या आर्थव था पता नहीं, शायद यही था। देवांश, कार्तिक और काव्यांश, कार्तिक देवांश कार्तिक काव्यांश। ओके तो ये लगभग 51 नाम थे जो आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, और मुझे आशा है इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगा होगा। और इस तरह के और चीज़ों के लिए मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, और इस तरह से आप सीखेंगे सीखने की कोशिश करेंगे, हिंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता है उनको आप प्रेरित करेंगे ताकि वो हिंदी पढ़ना लिखना सीखें हमारी फ्री वीडियोज़ के साथ। इसके साथ अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे आसान है विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं, उसकी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरुआत से हमने बेसिक मैथ की भी वीडियोस बनाई हुई है, उन्हें भी आप देख सकते हैं, सभी चीज़ें हमारी प्लेलिस्ट में और नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में हम पिन करके रख देते हैं। तो सभी वीडियोज़ आप लोगों के लिए, सभी वीडियोज़ को देखिए, सीखते रहें आगे बढ़ते रहें। जब तक सीखेंगे नहीं करेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ वीडियोस देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ मेरे वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक मैं आप लोगों को साथ के साथ मोटिवेट भी नहीं करूँगा। मेरी वीडियोस लोग देखते हैं पसंद करते हैं इस वजह से नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं उन्हें साथ के साथ मोटिवेट भी करता रहता हूँ इस वजह से भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो मेरी क्वालिटी सिर्फ एक ये नहीं है कि मैं हिंदी अच्छे से पढ़ाता हूँ मात्राओं के बारे में जानता हूँ, मेरी एक क्वालिटी ये भी है कि मैं लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ साथ के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, सीखते रहें आगे बढ़ते रहें। वीडियोस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलूंगा मैं जल्द ही आप लोगों के सामने नई वीडियो के साथ। तब तक आसान है विद आदित्य चैनल पर 300 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हैं जो कि बेसिक इंग्लिश और बेसिक गणित की हैं, उन्हें भी आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद।